हमें बेटा हमने शादाब को बुलाया है। उस दिन शादी के वाके के बाद फिर शादाब से मुलाकात ही नहीं हुई। हमें ये आपने बहुत अच्छा किया कि शादाब को यहाँ घर पर बुला लिया। उससे बात करना बहुत जरूरी था। मम्मी, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बेटा ये बताओ, हमने आज तक झूठ बोला ही कब है? बड़ी अम्मी, अब जाने भी दीजिए, पहले से ही हम लोग बहुत परेशान हैं। आदाब। आदाब। शुक्रिया। शादा बेटा, वो हम तुमसे क्या कहें, अरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? आपको शर्मिंदगी महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस दिन के हालात के हिसाब से अहमद भाई ने जो भी फैसला लिया सही लिया। और जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ, इसमें किससे शिकायत करें और किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? हम सब तो हालात के मारे हैं। मैं तो कहता हूं इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। देखो शादाब, हमने दरियाफ्त किया है, हजरतगंज जीपीओ से ये तो पता लग गया है कि ये टेलीग्राम कराची पाकिस्तान से आया है। और तलाकनामा लखनऊ से भेजा गया है। तलाकनामा हमने पुलिस के हवाले कर दिया है और भेजने वाले के खिलाफ FIR लिखवा दी है। और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई है। जो भी गुनहगार होगा वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इस बात से ये साबित होता है कि नरगिस का तलाक हुआ ही नहीं था। अगर उस दिन नरगिस का निकाह हो जाता तो हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। इन सारी बातों से ये तो पता चल गया कि मेरा भाई अब्बास बेकसूर था। उस पर इल्जाम था कि उसने नरगिस को तलाक दिया है, मगर आज हमें पता चल गया कि वो तलाकनामा झूठा था। इंशाअल्लाह मेरा भाई अब्बास जल्द आकर मिलेगा हम सबसे। अरे नरगिस बेटा, आओ यहाँ बैठो। अम्मी, बच्चे ऊपर अकेले हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। अब तो ये कहते हैं कि जब तक अब्बास नहीं आ जाता हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। अम्मी, वैसे भी हम लोग कोई फैसला कहाँ ले रहे हैं जब तक पूरी जांच ना हो जाए। मैं एम्बेसी फोन करूंगा, मैं पता करूंगा कि ये टेलीग्राम आखिर किसने भिजवाया है। अच्छा नसीमा, ये बताओ तुम्हारे पास तुम्हारे मामू जान का कोई टेलीफोन नंबर है? नहीं बढ़िया, मामू जान का टेलीफोन नंबर तो नहीं है, मगर हमारे पास उनका पता है। हमें याद नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। बहुत पहले अम्मी का खत आया था अब्बू के इंतकाल के बाद, शायद उसमें पता होगा। ठीक है नसीमा, तुम उनका पता ढूंढकर हमें दे देना। मैं तो कहता हूँ ये सब मुकद्दर का खेल है। हमारे जैसे ताल्लुकात आप लोगों से पहले थे, हमेशा वैसे ही रहेंगे। जिंदगी ने हमें दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है। समझ में नहीं आता हम क्या करें। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम लोगों के बीच में तमाशा बन के रह गए हैं। नरगिस, ये क्या तरीका है यहाँ ऐसे अकेले बैठने का? बेटा हमारे पास आया करो, बैठा करो, बातें किया करो। अब आपके पास क्या आकर बैठे, हमारा तो कहीं दिल भी नहीं लगता। हर जगह
वही चर्चा। नरगिस बेटा, तुम जितना सोचोगी उतना तुम्हारे दिल और दिमाग पे असर होगा। देखो बेटा, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। क्या तुम्हें अब्बास के आने की खुशी नहीं है? हमें नहीं होगी तो और किसे होगी? हमारे फैजल को उसके वालिद मिल जाएंगे, अब क्या बयां करें। हर वक्त हमसे पूछता रहता है कि हमारे अब्बू कब आएंगे। हम तो उसे जवाब दे देकर थक चुके हैं, और वो बेचारा भी इंतजार कर करके थक चुका है कि कब आएंगे मेरे वालिद। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, फैजल को उसका वालिद मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ शौहर। पता नहीं क्यों हमें खुशी की बड़ी सी खबर भी मिल जाए तो हमें खुशी नहीं मिलती। अब क्या यकीन करें, अब्बास का टेलीग्राम आया है वो सच्चा है या किसी ने फर्जी भेजा है? जब तक टेलीग्राम की जांच पड़ताल ना हो जाए हमें यकीन नहीं आ रहा है कि अब्बास आ रहा है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हो सकता है कि सही भी हो। हमारी समझ में ये नहीं आता कि कोई पाकिस्तान से ये फर्जी टेलीग्राम क्यों भेजेगा। किसी को भला हमसे क्या दुश्मनी है, और वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करेगा? अब पता नहीं क्यों लोग हमसे दुश्मनी क्यों रखते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? जांच पड़ताल हो रही है, अब देखते हैं किसका नाम सामने आता है। क्या मिलेगा उसे हम लोगों को तकलीफ देकर? बेटा, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। उन्हें बड़ा मजा आता है लोगों को तकलीफ में देखते हुए। अम्मी, उन लोगों को जरा सा भी अल्लाह का डर नहीं है? जो बेवजह किसी को सताना ये तो गुनाह है। अगर वो लोग इसे गुनाह समझते तो फिर करते ही क्यों? उनके दिलों में तो अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं होता। बेटा, शादाब कितने अच्छे मिजाज का लड़का है, उसे तो इस हादसे का जरा भी गिला शिकवा नहीं है। हमसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि हमारे और आपके ताल्लुकात जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है शादी हो या ना हो? शादाब की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। अम्मी, शादाब बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमसे भी यही कहा था। हाँ बेटा, शादाब की बातों में हमें बहुत अपनापन लगता है। अब क्या कहें, हमारी तो अक्ल ही परेशान है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे मिशाइन, मैं तो पहले ही से कहता था कि अब्बास इस तरह का लड़का नहीं है, वो नरगिस को तलाक दे ही नहीं सकता। अब्बास बहुत जिम्मेदार लड़का है और नरगिस को प्यार भी बहुत करता है, वो ऐसी छुछुरी हरकत नहीं करेगा, ये मुझे पहले से पता है। एक बात बताइए, जब नरगिस का तलाक ही नहीं हुआ तो शौहर तो अब्बास ही होगा ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डाकिया। अरे मिशाई, मैं देखता हूं। इस समय डाकिया पता नहीं कैसी खबर लाया हो। हे भगवान, जो भी हो पर अच्छी खबर भेजना। अरे मिश्राइन, किसका टेलीग्राम है? अरे प्रकाश का है। सब कुशल मंगल तो है ना? वो नैनीताल से सुबह आ रहा है लखनऊ पहली गाड़ी से। प्रकाश आ रहा है? उफ, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आज तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी, मुझे नींद ही नहीं आएगी, मैं उसका इंतजार ही करती रहूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चे को सारी खुशियां दो, सुकून दो।
अब मैं अपने प्रकाश को अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। अरे जो तुम्हारा जी चाहे वो करना, तुम्हें किसने मना किया है? अब आप देखिएगा, मेरा प्रकाश अब गौरव से सारा हक छीन के हमें दिलाएगा। मिस शाइन, प्रकाश को आ जाने दो, उसको आते ही सारी बातें ना बता देना, दो चार दिन रहने देना, नहीं तो सब बातें सुन के वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब वो कुछ दिन रह लेगा तो खुद ही समझ जाएगा। मगर गौरव तो प्रकाश से बहुत जलता है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो प्रकाश के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। अरे तुम बिला वजह डरती हो, गौरव क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मिश्रा जी, आप कहते थे गौरव कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने हमारा घर बार सब छीन लिया, हमें अपने ही घर में बंदी बना के रखा, नौकरों की तरह हमारे साथ सुलूक किया, और फिर भी अभी भी आप उसके तरफ से बात करते हैं। अरे गौरव कह तो रहा है कि हम पैसे लौटा देंगे। कब लौटाएगा? कोई तारीख बताई है उसने आपको? अरे तारीख तो उसने हमको नहीं बताई है, मगर हमसे ये कह रहा है कि चाचा जी हम आपकी रकम डबल करके लौटाएंगे, हम पर विश्वास कीजिए। अब हम क्या करें? विश्वास ना करें तो और क्या कर सकते हैं? गौरव ने आपको सपने दिखाए और आपने यकीन कर लिया। मैं कह देती हूँ, गौरव आपको कुछ नहीं देने वाला है, और दिलाएगा तो हमारा प्रकाश। अरे बाबा मिश्राइन, तुम हमसे झगड़ा क्यों करती हो? लो और सुनो, आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ। अरे प्रकाश सुबह आ रहा है, उसके लिए तैयारियां कर लो, उसका कमरा सही कर दो, जाओ बैठी क्यों हो? आप फिक्र मत कीजिए जी, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ तैयार करके रखेंगे, और हाँ मेरे सामने उस गौरव का नाम मत लीजिएगा। फत्तो, हमारे लिए चाय ले आना, हमें दफ्तर जाना है। फत्तो, एक कप नहीं दो कप चाय लाना। नरगिस, जब से तुम ऑफिस जाने लगी हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हमसे बैठकर बातें कर सको। चलो कोई, कम से कम हम साथ में बैठकर एक कप चाय तो पी ही सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आइए। नरगिस, हमें ऐसा लगता है कि जब से अब्बास से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें एक भी दिन चैन नहीं मिला है, ना ही उसने कभी शौहर का फर्ज निभाया और ना ही बच्चों की जिम्मेदारियां उठाई, बस तलाक नामा भेजकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। भाभी, अब कहना क्या चाहती? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई, अल्लाह के करम से तुम्हें अच्छा लड़का भी मिल गया था, शादी की पूरी तैयारियां भी हो गई थी, बारात घर तक आ गई थी, हद तो तब हो गई जब अब्बास ने तुम्हें टेलीग्राम भेजकर तुम्हारी सारी खुशियों में आग लगा दी। अब्बास ऐसे नहीं है, अब्बास ने तलाकनामा भेजा ही नहीं था, बगैर तलाकनामा के हमारी शादी हो जाती तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। हम तलाकशुदा नहीं, शादीशुदा। और शाकरा भाभी, आपको हमारी इतनी फिक्र है, हमें तो बड़ी हैरत होती है। या कहीं ये तलाकनामा आपने तो नहीं भिजवाया था? नरगिस, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो? जब आप गुलफाम को हमारे लिए बुला सकते, हमें घर छोड़ने पे मजबूर कर सकती, तो तलाकनामा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? देखो नरगिस, गुलफाम ने सबके सामने हमें पहचानने से इनकार किया था, और हमने तुम्हें गुस्से में कहा था कि गुलफाम हमारा आदमी, जिसे तुम सब समझ के बैठ गई। पर रही बात तुम्हारी घर से जाने की, तो
तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, और किस घर में झगड़े नहीं होते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुम्हारे पास अब्बास के नाम का झूठा तलाकनामा भेज देंगे। पुलिस तफ्तीश कर रही है, सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारा कोई जाति दुश्मन हो जो ये सब कर रहा हो। बाहर वाले हमसे क्या दुश्मनी करेंगे जब घर में दुश्मन हो। नरगिस, ये तुम क्या कह रही हो? घर में तुमसे कौन दुश्मनी करेगा? ये तो आप हमसे बेहतर ही जानती हैं। नरगिस, तुम्हारे अंदर ये बहुत खराब आदत है, रात दिन ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो, अपनों को ही दुश्मन समझती हो। ये बहुत खराब आदत है। अपने तो आखिर अपने ही होते हैं ना। क्या गलत है क्या सही है ये हम नहीं जानते। अब तुम्हारी जिंदगी में अब्बास और शादाब दोनों ही हैं। तुम किसे चुनोगी? हम कोई खिलौनों की दुकान पर नहीं खड़े, हमें अपनी जिंदगी का फैसला करना है। शाकरा भाभी, हमें दफ्तर जाने में देर हो। खुदा आदा। खुश रहो नरगिस। कहाँ जा रही हो? जी हम देखने जा रहे हैं कि कारीगर क्या कर रहे हैं। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, सब काम कर रहे हैं। आ जाओ बैठो। शादाब का फोन आया था, उसने तुम्हारे सारे किस्से मुझे सुनाए, सारे हालात से वाकिफ किया। ऐसा कौन दुश्मन है तुम्हारा जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है? समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें किसी पर शक है? हमें अपनी भाभी पे शक है। तुम्हारी भाभी शाकरा? वो तो ऐसे नहीं दिखती, बड़ी शरीफ लगती है। अब घर की बातें हम आपसे क्या बयां करें। शाकरा भाभी के हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है। जब से शादी करके आई है हमारा तो जीना दुश्वार कर दिया है। हमारे घर में रहने से उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने हमें इस कदर मजबूर कर दिया था कि हम दोनों बच्चों को छोड़कर गोमती में डूबने चले गए थे। फिर गुलफाम के जरिए नौटंकी नाटक करवाई घर में घुसने के लिए। तो गुलफाम तुम्हारे यहाँ आया कैसे? अब्बू का नाम लेकर गुलफाम घर में घुस गया और फिर उसने हमारी इज्जत आबरू पर हमला किया। उसने हमें बदनाम करने की धमकी दी। उससे पीछा छूटा तो तलाकनामा जरूर इन्होंने ही भिजवाया होगा। फिर भी मुताशा के जरिए हमारी दूसरी शादी करवाने के लिए वाहियात आदमी को बुलाया गया। बस यही चाहती थी कि कैसे भी करके हमारी शादी हो जाए और हम इस घर से रुखसत हो जाएं। इन्हीं वजह की वजह से हमें ऐसा लगता है कि शाकरा भाभी का ही इसमें हाथ है। तुमने शाकरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? यही सोच के नहीं की कि हमारे घर की बहू है, अगर इनकी बेइज्जती हुई तो खानदान का नाम बदनाम होगा। यही सोचकर हम लोग चुप हो जाते हैं। तुम लोगों की शराफत का फायदा उठा रही है, मैं उसको ऐसा नहीं समझती थी। तुम बोल रही हो तो मुझे हैरत हो रही है कि वो इस हद तक गिर सकती है। बहुत खतरनाक है, उससे बचकर रहना पड़ेगा। क्या तुम लोगों ने अपनी भाई की शादी देखी नहीं की? आबिद भाई की पसंद है, अब्बू तो बहुत खिलाफ थे। तलाकशुदा भी है और एक बच्चे की माँ भी है। पैदा हुआ बच्चा अपने पहले शोहर के पास छोड़ आई है। हाय अल्लाह, अपने बच्चे पर भी रहम नहीं किया। इतनी खुदगर्ज मिजाज की लड़की है, पता नहीं आबिद को कैसे पसंद आ गई। कोई हैदराबाद के नवाब की बेटी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो किसी नवाब की लड़की है। नवाब लोग तो बड़े हमदर्द बाखलाक, उनके अंदर इंसानियत होती है, लेकिन ये तो गैर इंसानी बातें करती है।
देखो नरगिस, इसके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप सही कह रही, मगर शाकरा भाभी बहुत चाहती है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ती। यही सब देखकर हम चुप हो जाते हैं। इस वजह से सब कुछ जानकर भी हम खामोश हो जाते हैं। तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि शाकरा खुद में एक अजीब दास्तां है। क्या बात है चाची जी, आज तो जैसे खुद कुबेर देवता आने वाले हो घर पे। बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गौरव, आज तो तुम चुप रहो, आज मैं अपना मन नहीं खराब करने चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये तो हमें मालूम है कि आप बहुत खुश हैं, मगर इसकी वजह क्या है? तुम्हारे चाचा जी गए हैं प्रकाश को लाने स्टेशन, आते ही होंगे। अच्छा, वो अनाथ जिसे आप अनाथालय से उठा के ले आई थी, ना जाने उसके माँ बाप कौन होंगे और किस धर्म का होगा। हमें तो ना कभी कभी लगता है कि वो किसी की नाजायज औलाद रही होगी। देखो गौरव, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन अब वो मेरा बेटा है, उसे भूल कर भी अनाथ मत कहना। वो तो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा इंसान बनेगा भी। वो नैनीताल से वकालत पास करके यहाँ आ रहा है, और फिर तुम देखना लखनऊ का बड़ा वकील बनेगा वो। यहाँ तो पहले से ही कितने सारे वकील हैं, यहाँ क्या वकालत करेगा वो? अरे वो कुछ भी करे, तुम कौन होते उसके बारे में इस तरह की बात करने वाले? वाह चाची वाह, हम हैं आपके वारिस, हमें खुद भगवान ने बनाया है, और आप है कि अपनों को छोड़ के परायों के गुणगान गाती रहती। अरे आप आ गए, प्रकाश कहाँ है? प्रकाश, प्रकाश को कहाँ छोड़ा है? पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा, प्रकाश नहीं मिला। आए भैया, मेरा प्रकाश कहाँ चला गया? आप उसे कहाँ